केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहरसा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई तरह के बात भी कहे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कहा कि ये दोषारोपण का समय नहीं है। उन्होंने पूछा कि नेता प्रतिपक्ष देश में क्यों नहीं है, इस आपदा के समय लोगों के बीच क्यों नहीं है। ऐसी महामारी के समय जो लोग राजनीति करते हैं, पहले वो बताएं ना वो लोग हैं कहाँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है, मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा। पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। मैं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछूंगा, राहुल जी के पास फुर्सत नहीं है एक बार भी बिहार की किसी भी त्रासदी में आकर यहाँ पर ग्रामीणों से मुलाकात कर कर जाए। उनके पास इतना समय है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार कर ले, वहाँ पर सरकार बनाने का हर संभव प्रयास कर ले, पर यहाँ पर जिस वक्त लोगों को उनकी जरूरत है।